एक अहम वजह हमारे मुल्क में एंजाइटी या स्ट्रेस भी है जी। इसकी वजह से भी कुछ लोगों को चक्कर आते हैं और कुछ लोगों को कान में आवाजें आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फैज़ुर रहमान मुखातिब हूँ जी, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज एक अजीबोगरीब अलामत के साथ आपको टॉपिक पेश कर रहा हूँ जी, चक्करों का आना, जिसको वर्टाइगो बोलते हैं जी, और कानों के अंदर बिन बनाहट या सिनसनाहट का होना जी, जिसको कहते हैं कि जी मेरे कान के अंदर आवाजें आती हैं जी, इसको इंग्लिश में टिनाइटस बोलते हैं। इन दोनों मसलों का ताल्लुक कई वजूहात के साथ है। लेकिन एक वजह न्यूरो की भी है जी। अगर मैं सच बोलूं तो इसका ताल्लुक नफ्सियात के साथ है जी, एंजाइटी स्ट्रेस के साथ है जी। इस वजह को भी जहन में रखें। आम तौर पर डॉक्टर वो दवाइयां देते हैं जो या तो वक्ती तौर पर ठीक कर दें या फिर वो दूसरी वजूहात की तरफ चले जाते हैं। एक अहम वजह हमारे मुल्क में एंजाइटी या स्ट्रेस भी है जी। इसकी वजह से भी कुछ लोगों को चक्कर आते हैं और कुछ लोगों को कान में आवाजें आती हैं। तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से भी हो जाता है जी। इस पॉइंट को सिर्फ बताने के लिए मैंने आज ये टॉपिक चुना था जी। और ये जो क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करके आप इस अहम वजह का भी इलाज करवा सकते हैं जी। आज के लिए इतना ही काफी है जी। खुदा हाफिज़।